हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल है वो कैसे करें अपने ब्राउज़र से। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जैसे हम कोई वेब पेज खोलते हैं तो उस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसी पेज के अंदर, यानी एक नया विंडो पॉपअप ऑन न होकर उसी पेज के अंदर नेक्स्ट है वो ओपन हो जाता है, वही पेज लिंक हो जाता है। तो ये सारा जो कमांड प्रोसेस है वो सारा का सारा है वो जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल होता है। तो आप देखते होंगे, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फेसबुक पे वीडियो देखते हो, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे बीच में ऐड आते हैं जो ऑटोमेटिक ही आते हैं बिना नया पेज है वो ओपन हुए। तो ये सब सारा का सारा जो सिस्टम है वो जावास्क्रिप्ट पे ही डिपेंड होता है। तो अब हम लोग इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र के अंदर है वो कैसे इनेबल और डिसेबल करने वाले हैं, क्योंकि खासकर इसकी ज़रूरत पड़ती है ई मित्र के, जो मेरे मित्र या दोस्त हैं जो अभी ई मित्र चला रहे हैं, तो उनको खासकर है वो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें एक ही पेज पे वो काम करना पड़ता है और उसी पेज पे वर्क करने के लिए जावास्क्रिप्ट है वो एरर आ जाता है अपने पीसी के अंदर। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस टाइप का जो है वो एरर आ जाता है। तो इस एरर को हटाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को है वो इनेबल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट है वो एक टाइप की लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हम लोग फुल डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो है वो मिनटों की जगह घंटों में चला जाएगा और बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा जिससे आप भी देखने में बोर हो जाओगे। तो सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप से वो वर्क करता है। सपोज करो कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो आप किसी की फ़ोटो पे लाइक कर रहे हो, तो वहीं से लाइक है वो थोड़ा सा डायरेक्ट दिखाने अलग सा शो होने लगता है, थोड़ा गहरा हो जाता है लाइक, और उसमें बहुत सारे आपको इमोशनल या इमोजी भी मिलते हैं जिनमें से आप सेलेक्ट करते हो। तो ये सारा का सारा वो डिपेंड है वो जावास्क्रिप्ट पे ही है। और जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट जो शुरुआत हुई थी वो लगभग हुई थी 1995 के आसपास। तो हम लोग फुल्ली डिटेल से इसकी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो समय है वो ज़्यादा ख़राब हो। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ब्राउज़र में और उस पर सीखते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल अपने ब्राउज़र के अंदर है वो कैसे करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग है वो जावास्क्रिप्ट को इनेबल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो, तब जैसे मान लो आप कोई भी वेबसाइट पे ओपन करोगे तो इस टाइप का एरर आएगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो आप एक ई मित्र यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जैसे मान लो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो या मान लो ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हो, उसको मतलब अपलोड कर रहे हो, तो उस समय का ये एरर आता है। तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर ऊपर शो कर रहा हूँ मैं, एकदम स्लो मोशन के अंदर वीडियो बताऊंगा, ज़्यादा फास्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। तो 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे नीचे आना है सेटिंग पे। तो आपका सेटिंग वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उस पर आपको आना है। सेटिंग पे आते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है और उसके बाद आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्राइवेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोन नंबर आपको दिखाई दे रहेगा साइट सेटिंग, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे नीचे आना है, यहाँ पे आपको कैमरे वाला ये सब दिखाई दे रहा है और नीचे आना है, तब आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला ही। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट को डिसेबल और इनेबल दोनों कर सकते हैं, और कोई वेबसाइट है उसको भी यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट है, चाहे आप जो भी जिसको भी वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड करके ब्लॉक कर सकते हो, और कोई भी वेबसाइट को अलाउ करना चाहते हो तब भी यहाँ पे आप ऐड करके उस वेबसाइट को वो अलाउ कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ से इनेबल और डिसेबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट है वो क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप कैसे इनेबल और डिसेबल करोगे। तो
आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को है वो इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं एक से एक बढ़ के। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।